अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी सीरीज़ में पाकिस्तान में बसने वाली बड़ी बड़ी कौमों के मुताल्लिक, तो आज की जो हमारी बड़ी कौम है उसका नाम है शेख कौम। जो शेख कौम है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है, तो आज हम उन्हीं की हिस्ट्री और उनकी जो सब डिवीजन्स हैं यानी कि सब कास्ट जो उनकी हैं, शेख कास्ट से निकलने वाले मुख्तलिफ कास्ट जो हैं उनके मुतालिक बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। जनूबी एशिया के शयोख की एक मुमताज़ शाख है पंजाबी शेख। तो जनूबी एशिया में इस्लाम की आमद के बाद जिन हिंदुस्तानी उलसल आला ज़ातों ने इस्लाम कबूल किया उनमें से बहुत से ख़ानदान और कबीलों ने शेख का लकब अपनाया। लफ्ज़ शेख भी नहीं, लफ्ज़ असल में है शेख ही, लेकिन यहाँ आते आते क्योंकि मुख्तलिफ लहजों से होता हुआ ये लफ्ज़ शेख बन गया। शेख एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी कबीला के बुजुर्ग मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम बूढ़े आदमी या आलिम के होते हैं। जनूबी एशिया में लफ्ज़ एक नस्ली लकब के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसे अमूमन मुस्लिम तिजारत पेशा ख़ानदान इस्तेमाल करते हैं। जनूबी एशिया में मुस्लिम हुक्मरानी के आगाज़ 713 से मुसलमान सरकारी अफसर, फौजी, ताजिर, साइंसदान, माहरीन तामीरात, उसातज़ा, मुतकल्लमीन और सूफियाए आलम इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों से सफ़र करके जनूबी एशिया के मुस्लिम कलमरों में दाखिल हुए और यहीं आबाद हो गए। बाद में कुछ आला ज़ातों बरहमन और खत्री ने पंजाब के इलाके में इस्लाम कबूल किया और शेख का लकब इख्तियार किया। ऐसे अफराद पंजाबी शेख कहलाते हैं। इन पंजाबी शयूख में बेशतर अफराद शहरी हैं, अलबत्ता मगरबी अज़लाम में कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जो अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं। उनके असल पेशे कारोबार, तिजारत और अवामी खिदमत हैं। पंजाब में अमूमन उन्हें माहिर और ज़हीन ताजिर की हैसियत से पहचाना जाता है। 12वीं सदी के अवाइल में बहुत से राजपूत ख़ानदान भी मुसलमान हुए थे जिन्हें आज़ादी तौर पर मुस्लिम हुक्मरानों या पीरों ने शेख का लकब दिया था। तो राजपूतों में शेख राजपूतों ही ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। एक और मिसाल ख्वाजा शेख की है जिनमें दो बिरादरियां चिनियोट और कानून को शेख हैं। सन 1947 में तकसीम हिंद से कबल खत्री ज़ात के लोग पंजाब के तमाम अज़ला में रहते थे, ताहम उनमें ज़्यादातर ख़ानदान मगरबी अज़ला में आबाद थे। खत्री, राजपूत, गुजर और गखर वगैरह के बहुत से ख़ानदान मुसलमान हो गए थे। सिद्दीकी, कुरैशी शयूख और अब्बासी बिरादरियाँ इन्हीं नौ मुस्लिम ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं। ये तमाम बिरादरियाँ पंजाब में पंजाबी को शेख कहलाती हैं और सिंध में सिंधी को शेख कहलाती हैं। सिद्दीकी शयूख इस वक्त भी भारत के शुमाली इलाकों में बिलखसूस उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बकसरत आबाद हैं, जबकि बिहार, मगरबी बंगाल और हैदराबाद में भी कुछ ख़ानदान पाए जाते हैं। सरस्वत ब्राह्मण भी इस्लाम कबूल करने के बाद अपने नामों के साथ शेख का लकब इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि जैसा कि हिंदुओं में ब्राह्मण सबसे ऊंची जात मानी जाती है, इसी तरह से मुसलमानों में जो शेख यानी कि अपने पीर व मुर्शिद को ख़ास तौर पर कहा जाता है मुअज़्ज़िज़ लोगों को, तो उन्होंने भी अपने लिए एक मुअज़्ज़िज़ लकब इख्तियार करते हुए ख़ुद को शेख कहलाना शुरू कर दिया। तो ये थी दोस्तों इनकी कोई बुनियादी हिस्ट्री शेख कास्ट की। अब जो इनकी सब डिवीजन्स हैं, सब कास्ट जो इस कास्ट से निकलती हैं उनके मुतालिक मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको तफसील से उनके मुतालिक बता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।